हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ को बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज मैं आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक न्यू पिक कार्ड रीडिंग लेकर। अगर आप लोगों ने इस रीडिंग पर क्लिक किया है तो आपके लिए ये साइन है कि इस रीडिंग में आप लोगों के लिए कोई ना कोई मैसेज ज़रूर मौजूद है। तो इस रीडिंग को ध्यान से देखिएगा और एंड तक देखिएगा। और आज की रीडिंग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि ये बहुत ही रिक्वेस्टेड टॉपिक था। तो आज की रीडिंग होने वाली है आपके करियर और फाइनेंसेस से रिलेटेड। आज हम देखने वाले हैं कि आपके करियर और फाइनेंसेस आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपके करियर में, और आपके नेक्स्ट स्टेप ऑफ द करियर के बारे में भी हम जानेंगे कि आपके करियर में नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है, कैसा रहने वाला है और आपको क्या एक्शंस लेने हैं उस तक पहुंचने के लिए, अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए आपको क्या एक्शंस लेने हैं। ओके, एंड अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, पहली बार मुझे देख रहे हैं तो आपका ढेर सारा स्वागत है मेरे चैनल पर। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बी अ पार्ट ऑफ द फैमिली, साथ ही हिट द नोटिफिकेशन बेल सो दैट आपको टाइम से वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी ज़रूर शेयर करेगा ये वीडियो। साथ ही वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। एंड मैं एक छोटी सी अनाउंसमेंट यहाँ पर करना चाहती हूँ कि अगर आप लोग मुझे पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं मेरे ईमेल आईडी पर विच इज seekerofthedivinetruth@gmail.com, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी DM कर सकते हैं। एंड अगर आप मुझसे कोई क्रिस्टल परचेज करना चाहते हैं जो कि मैं एनर्जाइज करके आप लोगों को भेजती हूँ, आपकी प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग रेमेडीज आपको भेजती हूँ, तो उसके लिए भी आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरी ईमेल आईडी पर, या फिर मुझे DM कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पर। एंड मेरे साथ इंस्टाग्राम पर भी ज़रूर कनेक्ट करेगा, मेरा इंस्टाग्राम आईडी है seekerofthedivinetruth। आप मुझे फॉलो कीजिए, DM कीजिए। ओके, योर सजेशंस आर वेलकम। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स बिगिन विद द रीडिंग। तो यहाँ पर आप लोगों के पास थ्री ऑप्शंस हैं, तीन पाइल्स हैं, तीन ऑप्शंस मैंने यहाँ पर रखे हुए हैं। पहले ऑप्शन के लिए आप चूज कर सकते हैं एस ऑफ स्वॉर्ड्स, सेकेंड ऑप्शन में है एस ऑफ वॉन्ड्स, फॉर द थर्ड ऑप्शन वी हैव एस ऑफ पेंटिकल्स। जो भी कार्ड आपको सबसे ज़्यादा आकर्षित करता है या फिर सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है आप उसको चूज़ कीजिएगा। अपने इंट्यूशन के अकॉर्डिंग, अपनी गट फीलिंग के अकॉर्डिंग आप अपने कार्ड को चूज़ कीजिएगा। एंड अब आपके सामने एक क्लिप प्ले होगी, उसमें आप अपना कार्ड चूज़ कर सकते हैं। ओके, हेलो पाल नंबर वन, अगर आप लोगों ने एस ऑफ स्वॉर्ड्स को चूज़ किया है तो देख लेते हैं आपके करियर में क्या होने वाला है, आपके करियर में क्या ब्लेसिंग्स आने वाली है। सबसे पहले मैं आपके करेंट सिचुएशन के बारे में जानना चाहूँगी यहाँ पर। थैंक यू माय गॉड एंजल्स। करेंट सिचुएशन, जिन भी लोगों ने पाइल वन चूज़ किया है, एस ऑफ स्वॉर्ड्स को चूज़ किया है, उनकी करेंट सिचुएशन कैसी है। ओके, करेंट सिचुएशन मुझे यहाँ पर मैसेज मिल रहा है कि आप लोगों की मॉम को कुछ यहाँ पर प्रॉब्लम है, आप लोगों की मॉम हेल्थ वाइज कुछ सफ़र कर रही हैं। यहाँ पर एक मैसेज मुझे मिल रहा है कि आप लोगों की माँ की तबीयत ख़राब है और इस वजह से आप पे बहुत ज़्यादा फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ गई हैं और आप लोग बहुत ही उदास वाले पीरियड में चल रहे हैं, डीमोटिवेटेड मुझे यहाँ पर लग रहे हैं कुछ लोग। उनको लग रहा है उनके लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला है, वो सब कुछ छोड़ के आगे बढ़ना चाहते हैं। आप लोग एक अच्छी करियर लाइफ चाहते हैं, आप लोग अच्छे फाइनेंशियली भी सेटल होना चाहते हैं और फैमिली वाइज भी सेटल होना चाहते हैं अच्छी तरह से। मुझे यहाँ पर आपके माँ से रिलेटेड कुछ तकलीफ यहाँ पर लग रही है। थैंक यू, क्वीन ऑफ कप्स एंड मॉम का नाम लिया और यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स भी आ गया। ओके, थैंक यू। प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, जिन भी लोगों ने एस ऑफ स्वॉर्ड्स को चूज़ किया है उनके प्रेजेंट सिचुएशन। थैंक यू। ओके, तो आप अपने इमोशन से आगे बढ़ना चाहते हैं और काफ़ी प्रैक्टिकल होना चाहते हैं लाइफ में। थैंक यू सो मच। एक बदलाव का आप लोग इंतज़ार कर रहे हैं या फिर किसी बदलाव से आप लोगों की लाइफ जूझ रही है, आप लोग जूझ रहे हैं किसी चीज़ों से, जजमेंट। वाओ, स्पिरिचुअल अवेकनिंग का मैसेज मुझे मिल रहा है। ओके, यहाँ पर टेन ऑफ कप्स, हैप्पी फैमिली चाहते हैं फाइनली आप लोग। हो सकता है फैमिली वाइज यहाँ पर स्ट्रगल दिख रहा है मुझे, या तो हस्बैंड वाइफ में कुछ यहाँ पर स्ट्रगल चल रहा है, आपके रिलेशनशिप में किसी तरह का यहाँ स्ट्रगल है। एंड हो सकता है कुछ लोग यहाँ शादी चाहते हों बट वो अपने करियर में सेटल नहीं है, इस वजह से उनके लिए शादी यहाँ पर
मैनिफेस्ट नहीं हो पा रही हैं। आपके पेरेंट्स आपकी शादी के लिए यहाँ पर मान नहीं रहे हैं क्योंकि आप लोग अपने करियर में अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, एंड कुछ लोग यहाँ पर आगे बढ़ रहे हैं, अपनी लाइफ में चेंजेस से गुजर रहे हैं, आप लोगों की लाइफ चेंजेस से गुजर रही है और इसी वजह से कुछ अचानक से बदलाव आए हैं आप लोगों की लाइफ में। इसी वजह से आप लोग थोड़ा सा अपसेट फील कर रहे हैं, आप लोग एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं कि मैं कैसे करूँ, चेंजेस अचानक से आ गए हैं आप लोगों की लाइफ में, आप लोग एडजस्ट नहीं कर पाए हैं। बट गाइस, ये चेंजेस आपको सक्सेस की तरफ लेकर जा रहे हैं, एंड हो सकता है काफ़ी लोगों की जॉब यहाँ पर ऐसी हो जहाँ पर उनको बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ता हो। आप लोगों की बहुत ज़्यादा ट्रैवल मुझे दिख रहा है कि आप लोग बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं और इस वजह से भी आप लोग अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे हैं अच्छे तरह से। क्वालिटी टाइम यहाँ पर कोई स्पेंड करना चाहता है अपनी फैमिली के साथ, एंड मुझे लगता है यहाँ पर आप लोगों का इंट्यूशन काफ़ी ज़्यादा हाई है, बहुत इमोशनल होंगे आप लोग, बहुत ज़्यादा इमोशनल एनर्जी मुझे फील हो रही है। कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो साइन यहाँ पर मौजूद लग रहा है, लिब्रा एक्वेरियस जेमिनी भी मौजूद है यहाँ पर। आप लोग अपने इमोशंस से आगे बढ़ रहे हैं, आप लोग हार मान चुके हैं अपनी लाइफ से, अपसेट होके थक चुके हैं आप लोग, दुखी हो के आप लोग थक चुके हैं और आप लोग चाहते हैं कि कुछ अच्छा हो अब आपकी लाइफ में। आगे बढ़ रहे हैं अपने इमोशन से, आप लोग प्रैक्टिकल हो रहे हैं अपनी लाइफ में, जो भी बुरी चीज़ हुई थी आपके साथ उनसे आप लोग आगे बढ़ रहे हैं, एंड अपने दिल पे पत्थर रख के आप लोग आगे बढ़ रहे हैं अपनी लाइफ में कि जो होगा देखा जाएगा। अचानक से कोई चेंजेस आ गए हैं, या तो आपकी कोई जॉब यहाँ पर गई है या फिर कोई अचानक से कोई ट्रांसफ़र हो गया, आप अपनी फैमिली से दूर हो गए अचानक से। जजमेंट कार्ड से मुझे लगता है कि आप लोगों के बॉस के साथ नहीं बन रही है, ऐसा मुझे चैनल मैसेज आ रहा है कि आपके बॉस यहाँ पर या फिर आपके जो भी सीनियर हैं वो यहाँ पर आपका साथ नहीं दे रहे हैं। इस वजह से भी आप लोग काफ़ी इमोशनली परेशान हैं। हो सकता है कुछ लोग अपनी वाइफ की वजह से परेशान हों कि उनकी वाइफ की तबीयत यहाँ पर ठीक नहीं चल रही है, कोई ऐसा फीमेल फिगर है। द चैरियट के साथ मुझे लगता है आप लोग यू आर बॉर्न टू बी अ लीडर, आप लोग एक लीडरशिप पोजीशन यहाँ पर चाहते हैं आप लोग लीडरशिप, क्योंकि ये किंग ऑफ कप्स के कार्ड के नीचे ही हमारे पास द चैरियट आया है। आप लोग कुछ लीडरशिप पोजीशन यहाँ पर चाहते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं, आपके सपने बहुत बड़े हैं, आपके गोल्स बहुत बड़े हैं, बट आपको रास्ता नहीं मिल रहा है। आप लोग अपने इमोशन से निकल के आगे बढ़ते जा रहे हैं, जो भी लड़ाई झगड़ा होता है आप लोग कहते हैं नहीं मुझे इस ड्रामा का पार्ट नहीं होना है, आप लोग बस प्रैक्टिकल रहना चाहते हैं अपनी लाइफ में। आपका इंट्यूशन बहुत ज़्यादा हाई है, आप लोग पूजा पाठ में भी काफ़ी यकीन रखते होंगे, एंड आपके एंजल्स आपके साथ हैं, आप लोग पूजा पाठ काफ़ी ज़्यादा करते होंगे, बट उदास हो जाते हैं जब भी आपको रिजल्ट नहीं मिलता है। आप लोग सोचते हैं ईश्वर मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, मैं तो इतने समर्पण के साथ भक्ति कर रहा हूँ ईश्वर की, तब भी आपकी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। स्ट्रगल पीरियड मुझे लग रहा है आपके करियर में काफ़ी ज़्यादा चल रहा है, उससे ज़्यादा आपकी फैमिली में स्ट्रगल पीरियड यहाँ चल रहा है। इस वजह से भी आप करियर को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, करियर में अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। सो देखते हैं गाइस आप लोगों के लिए करियर में क्या अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, करियर और फाइनेंसेस कैसा रहने वाला है आप लोगों के लिए, उसके बाद हम आपकी गाइडेंस भी देखेंगे। करियर और फाइनेंसेस कैसा रहने वाला है, एस ऑफ सॉर्ड जिन लोगों ने चूज़ किया है फॉर पाइल नंबर वन, थैंक यू स्टूडेंट्स, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। करियर और फाइनेंसेस कैसा रहने वाला है फॉर पाइल नंबर वन, थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। थैंक यू पाइल नंबर वन के लिए, ओके मुझे लगता है आप लोग फैमिली टाइम ज़रूर स्पेंड कर पाएंगे। और यहाँ पर एक मैसेज यहाँ पर है कि आपको आगे बढ़ते जाना है, हालात चाहे जैसे भी हो आपको भरोसा नहीं छोड़ना है डिवाइन पे, यूनिवर्स पे, या फिर जिन भी ईश्वर को आप मानते हैं उन पर भरोसा नहीं छोड़ना है, डिवाइन पे भरोसा रखना है आप लोगों को। एंड मुझे लगता है आप लोग बार बार भरोसा छोड़ देते हैं डिवाइन पे, पर वो आपके साथ हैं आपके हर एक कदम पे, यहाँ पर वो इंसान अकेला नहीं है। आपकी लाइफ में फाइनेंशियल स्ट्रगल्स काफ़ी चल रहे हैं, और गाइस पेज ऑफ कप्स के साथ यहाँ पर आपके लिए एक नई जॉब ऑफर आ रही है, कोई ऑफर आप लोगों के लिए आ रहा है, वो भी इंटरनेशनल, जो आपके सिटी से दूर होगा, आपके होम टाउन से दूर होगा, और
अगर आप लोग बिज़नेस में हैं तो आपके प्रॉफिट यहाँ पर बढ़ने वाले हैं, कोई ऐसा क्लाइंट आप लोगों को मिलने वाला है जो कि प्रॉफिट बहुत ज़्यादा दें आपको। एंड अगर आप लोग जॉब में हैं तो फिर ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग तो डेफिनेटली है यहाँ पर, लोगों की स्पिरिचुअल अवेकनिंग के साथ आप लोग चल रहे हैं अपनी लाइफ में। तो आपकी लाइफ में कहीं दूर से कोई ऑफ़र आ रहा है जो कि इमोशनली आपको काफ़ी खुश कर देगा, ओके। बट आप लोग थोड़ा सा सोचेंगे, द टावर, यस, जो जॉब आप लोग कर रहे हैं वो जॉब सही नहीं है, जिस भी करियर फील्ड में आप लोग हैं वो सब आप लोगों के ग्रोथ के लिए ठीक नहीं है, वो टॉक्सिक चल रहा है आपकी लाइफ में, टॉक्सिसिटी को लेकर आ रहा है। कुछ लोगों का यहाँ पर कर्मा भी रिलीज़ हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस करियर, या फिर जो भी आप करियर में हैं उसकी वजह से आपका कर्मा यहाँ रिलीज़ हो रहा है। थैंक यू सो मच। ओके, तो आप लोग हो सकता है आने वाले टाइम में थोड़ा सा कंफ्यूज महसूस करें, क्योंकि ये जॉब ऑफर जो है अचानक से आपके यहाँ पर चेंज हो रही है जॉब। आपके जीवन में सब कुछ लगता है अचानक से ही होता है। ओके, तो मैं देखती हूँ। थैंक यू स्पिरिट्स। द सन, हैप्पी एनर्जी, हैप्पी लाइफ आ रही है आप लोगों के लिए। आपको चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ डिवाइन ब्लेसिंग्स बहुत ज़्यादा हैं गाइस। डिवाइन ब्लेसिंग्स हैं आप लोगों के साथ, एंड यहाँ पर आप लोगों के लिए एक ऐसी जॉब आ रही है, ऐसा करियर आ रहा है जो कि आपको एक लीडरशिप पोजिशन यहाँ पर दे सकता है, क्योंकि आपने एस ऑफ स्वॉर्ड्स को चूज़ किया है एंड यहाँ पर किंग ऑफ स्वॉर्ड्स है। आपके पास बहुत ज़्यादा डिवाइन गाइडेंस है, कोई लीडरशिप पोजिशन आ रही है, हो सकता है आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की हो किसी चीज़ के लिए, एंड वो चीज़ आपके पास आ रही है। कम्युनिटी रिकॉग्निशन, आप लोग फेमस हो रहे हैं गाइस, ऐसी कोई चीज़ यहाँ पर मुझे लगता है काफ़ी कॉम्पिटिटिव एनर्जी है, ऐसी कोई चीज़। आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन अगर कर रहे हैं तो आपको उसमें सफलता यहाँ पर मिल रही है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास द सन की एनर्जी भी है। तो आपको यहाँ पर स्पिरिट्स कहना चाहती हैं कि आपको प्लेफुल रहना है, अपनी लाइफ को इन्जॉय करना है, और अगर आप लोग कहीं घूमने जा सकें, कहीं वेकेशन पे जा सकें, तो आपको वहाँ जाने की ज़रूरत है। ओके, एंड द हैंगमैन के साथ मुझे लगता है कि आपको आपके देखने का नज़रिया बदलेगा। आप लोग, हो सकता है कि जिस जॉब में आप पहले नहीं जाना चाहते थे वो जॉब लौट के आपके पास आ रही है, अब आप जाना चाहते हैं वहाँ पर, क्योंकि आपको वहाँ पर कुछ अच्छा दिख रहा है। आप जो पहले नहीं देख पा रहे थे वो अब आपको दिख रहा है कि इस जॉब में ज़्यादा प्रॉफिट है। साथ ही मुझे लगता है कि आप ऑब्ज़र्व ज़्यादा कर रहे हैं चीज़ों को, ऑब्ज़र्विंग पावर आप लोगों के पास आ रही है, ऑब्ज़र्व ज़्यादा कर रहे हैं आप लोग चीज़ों को, और ऐसी जॉब, ऐसा करियर जहाँ पर आप लोगों की आप लोग इमोशनली भी काफ़ी खुश रहेंगे, आप लोगों के पास पैसा बहुत ज़्यादा होगा। फाइनेंशियल स्ट्रगल बहुत ज़्यादा चल रहा है, और अगर आपकी लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं, अगर कोई जॉब लॉस हो रहा है, तो आपको घबराने की यहाँ ज़रूरत नहीं है, सरेंडर करने की ज़रूरत है। आपको ऐसा लगता होगा कि मैं बंद गया हूँ, सोसाइटी की रिस्ट्रिक्शंस आ गई हैं मेरे ऊपर, मैं बंधा फील कर रहा हूँ, मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, कोई भी कुछ भी रास्ता नज़र नहीं आ रहा है। आपको लग रहा है कि ईश्वर ने मेरे पास सारे दरवाजे, सारे रास्ते बंद कर दिए हैं। बट गाइस, ये जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में चल रही हैं आपको एक बेहतर इंसान बनाने के लिए ही चल रही हैं। आने वाले टाइम में आप अपने स्ट्रगल्स को यहाँ थैंक यू कहने वाले हैं, क्योंकि बहुत सुंदर टाइम मैं आपके लिए देख पा रही हूँ। कम्युनिटी रिकॉग्निशन, कोई यहाँ पर फेमस हो रहा है अपने काम की वजह से, आप लोग अपना ही नहीं अपनी फैमिली का भी यहाँ पर नाम रोशन करने वाले हैं। कुछ लोग, हो सकता है इंटरनेशनल अब्रॉड जाकर सेटल हो, अब्रॉड में अगर आप लोग काफ़ी समय से ही जॉब के लिए ट्राई कर रहे थे तो आपके लिए वो जॉब यहाँ पर आ रही है। हर तरह से आप लोगों के लिए सफलता आ रही है, बस आपको क्या करना है, सरेंडर करना है डिवाइन पे, डिवाइन एनर्जीज पे सरेंडर करना है आप लोगों को। अगर आप लोग कुछ भी चीज़ अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, आप लोगों के सपने थे मेरे पास महंगे महंगे कपड़े हों, मेरे पास महंगी महंगी गाड़ियाँ हों, मैं अच्छे रेस्टोरेंट में जाके खाना खा पाऊँ, महंगे महंगे 5-star में जाके खाना खा पाऊँ, तो आपकी वो सारी विशेष यहाँ पे आने वाले टाइम में पूरी होते मैं देख पा रही हूँ। पर वो कब पूरी होंगी, जब आप अपने कर्मा को हील करेंगे, आप आगे बढ़ेंगे अपनी लाइफ में, अपने आप पे भरोसा करेंगे, ईश्वर पे यहाँ पर भरोसा करेंगे, यूनिवर्स पे भरोसा करेंगे, और सब कुछ सरेंडर करेंगे। ओके, सो मैं आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस आ रही है देख लेती हूँ, स्पिरिट्स की तरफ से क्या गाइडेंस आ रही है फॉर पाइल नंबर 1।
ओके, बहुत सारे गार्डन्स हैं, वाह। एंड ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था मैंने क्या कहा आपसे, इन्जॉय कीजिए अपनी लाइफ को। एंड हमारे पास कार्ड भी यही आया है, प्ले, हैव फन, सेलिब्रेट, डोंट बी सीरियस। अपने आप को सीरियस मूड से निकाल के थोड़ा सा इन्जॉय कीजिए, कहीं घूमने चाहिए अपने फ्रेंड्स के साथ। आप लोग बहुत ही ज़्यादा लोनली हो गए हैं, बहुत ही अकेला फील कर रहे हैं, तो आपको यस, ये कार्ड भी यही बात कर रहा है। सोल फैमिली, अपनी फैमिली के साथ जुड़े, उनके साथ अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कीजिए, अपने नए दोस्त बनाइए। आपको अकेले स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं है, और आप अकेले हैं भी नहीं, ईश्वर आपके साथ है, स्पिरिट्स आपके साथ हैं। और यहाँ पर कीपर्स ऑफ द अर्थ का कार्ड है, यू आर नॉट अलोन, एंशिएंट एंसेस्टर्स स्टैंड बिसाइड यू, आपके एंसेस्टर्स यहाँ साथ हैं, आपके आपके पेट्स यहाँ पर आपके साथ हैं एंड एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, यूनिवर्स आपके साथ यहाँ पर है। डांस विद लाइफ, अपनी एनर्जी को चेंज कीजिए, जो चीज़ पे आपको खुशी देती है, डांस करना, म्यूज़िक, सिंगिंग, आर्ट एंड क्राफ्ट, जो भी चीज़ आपको खुशी देती है, आपको वो यहाँ पर करने की ज़रूरत है। ओके, मुझे लगता है कुछ लोग यहाँ ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में भी हैं, इस वजह से भी उनकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल लग रहा है मुझे। And we have the card of trust your path. If you knew you would be supported, what would you do? आप लोगों को पूरी तरह से सपोर्ट दिया जा रहा है, आप आगे बढ़ते चाहिए अपनी लाइफ में, अपने आप पर ट्रस्ट कीजिए, ट्रस्ट, 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 बिलीव, 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 सरेंडर, 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 यही मैसेज आप लोगों के लिए आ रहा है। ओके, अपनी लाइफ को इन्जॉय करना सीखिए। मुझे लगता है आप लोग ग्रैटिट्यूड नहीं कर रहे हैं, ग्रैटिट्यूड डायरी को मेंटेन कीजिए, ग्रैटिट्यूड मेंटेन कीजिए। ओके, ट्विन फ्लेम जर्नी में यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, हमारे पास तंत्र का कार्ड है, माँ सीता का कार्ड है, एंड वी हैव प्राणायाम। थैंक यू स्पिरिट्स, थैंक यू माँ दुर्गा। वाओ, बहुत ही ब्लेस्ड हूँ आप लोग, ब्लेस्ड सोल्स। क्यों घबरा रहे हो, माँ दुर्गा का कार्ड, माँ दुर्गा स्वयं ही यहाँ पर आ गई हैं आपको गाइड करने के लिए। आप लोगों को घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है गाइस, आप लोग देवी माँ के भक्त हो सकते हो। एंड दो दो बार हमारे पास माँ दुर्गा का कार्ड है, यहाँ पर भी शिव और शक्ति को दर्शाया गया है, तो माँ शक्ति आपके साथ हैं, यहाँ पर माँ शक्ति आपके साथ हैं, वो आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं। एस ऑफ स्वॉर्ड्स भी प्रोटेक्शन का ही कार्ड होता है, आपको हर तरह से प्रोटेक्ट किया जा रहा है बाय द डिवाइन एनर्जीज, आपको प्रोटेक्शन मिला हुआ है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही ये कार्ड हमें ट्विन फ्लेम की बात भी बता रहा है कि आप लोग ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हो सकते हैं, इस वजह से भी आपकी लाइफ में थोड़ा सा स्ट्रगल चल रहा है। साथ ही आपको अपनी लाइफ में बैलेंस को लेकर आने की ज़रूरत है, शेड्यूल को मेंटेन करके चलिए। अपने माँ सीता का कार्ड हमसे कह रहा है कि अपनी सादगी के साथ जुड़िए, साथ ही समर्पण की भावना में रहिए, समर्पित कीजिए अपने आप को ईश्वर के चरणों में। श्री राम के भक्त भी हो सकते हैं यहाँ पर, आप लोग हनुमान जी के भी भक्त हो सकते हैं, तो ईश्वर आपके साथ है, क्यों घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। माँ सीता आपके साथ हैं, माँ सीता आपको कह रही हैं कि आपको लॉयल रहना है अपने पार्टनर से, अपने पार्टनर का साथ देना है, लॉयल रहना है, भरोसा करना है। ओके, एंड साथ ही प्राणायाम का कार्ड हमसे बात करता है कि आपको खुली हवा में, फ्रेश एयर में जाके एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है, खुली हवा के साथ जुड़ने की ज़रूरत है, नेचर में जाइए और वहाँ पर जाके ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए। लिटरली आपको प्राणायाम करने की ज़रूरत है, जो कि आपके बैलेंस, आपके जीवन में बैलेंस को भी लेकर आएगा, प्राणायाम से आपके जीवन में बैलेंस आएगा। सो यस गाइस, ये थी आप लोगों के लिए करियर की रीडिंग। आई होप कि आप लोगों को कुछ गाइडेंस मिली होगी इस रीडिंग से। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलेगा, साथ ही अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बी अ पार्ट ऑफ द फैमिली, ऑल्सो हिट द नोटिफिकेशन बेल, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी ज़रूर शेयर करेगा ये वीडियो। तो मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। अगर आप लोगों ने एस ऑफ वांड्स के कार्ड को चूज़ किया है, यानी कि पाइल नंबर 2 को चूज़ किया है, तो ये रीडिंग आप लोगों के लिए है। देखते हैं आपके करियर में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है आपके करियर में, और क्या ब्लेसिंग्स आने वाली हैं। ओके, पाइल नंबर 2, जिन भी लोगों ने एस ऑफ वांड्स को चूज़ किया है, उनके करियर में प्रेजेंट सिचुएशन क्या चल रही है, प्रेजेंट सिचुएशन क्या चल रही है पाल नंबर 2 की लाइफ में, पाल नंबर 2 के करियर में। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सक्सेस का इंतज़ार। ओके, द सन, काफ़ी स्ट्रगल कर करके थक चुके हैं आप लोग। थैंक यू, पेज ऑफ सॉर्ड्स, थैंक यू, प्लीज मुझे कर कीजिए। थैंक यू, द डेविल, कार्मिक सिचुएशंस। थैंक यू, थैंक यू सो मच।
थैंक यू स्पेरेंट्स. पाल नंबर टू के लाइफ में क्या चल रहा है. पाल नंबर टू के करियर में क्या चल रहा है. पाल नंबर टू, अगर आप लोग पाल नंबर वन से भी अट्रैक्ट हुए थे तो उसमें भी आपके लिए कोई मैसेज हो सकता है, उसको भी चेकआउट आप लोग कर सकते हैं. पाल नंबर टू की करेंट सिचुएशंस, मुझे लगता है कि आप लोग किसी हाई अथॉरिटेटिव पोजीशन पे हैं ऑलरेडी. यहाँ पर मुझे करियर में इतनी प्रॉब्लम्स नहीं लग रही हैं, बट ऑलरेडी आप लोग अथॉरिटेटिव पोजीशन पर हैं. बट मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें, कुछ सिचुएशंस यहाँ पर कार्मिक हो रही हैं. हो सकता है आपकी फैमिली में कुछ चीज़ें कार्मिक हैं. आप लोग काफ़ी लड़ाई झगड़े से जूझ रहे हैं यहाँ पर. एंड मुझे लगता है कि आपके फादर के साथ यहाँ पर कुछ, आप लोग अपने फादर के साथ कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं. आप लोग अपने फादर के साथ आपकी बन नहीं रही हैं यहाँ पर कुछ लोगों की. ऑल्सो आई सी कि आप लोगों के पास पैसा आता है पर वो टिक नहीं पाता है. कहीं ना कहीं आप लोग पैसा दे देते हैं, टिक नहीं पाता है वो पैसा. आप लोग बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, बहुत इंटेलिजेंट यहाँ पर लग रहे हैं और अपने कर्म पे यहाँ भरोसा करने वाले लोग लग रहे हैं. साथ ही काफ़ी रहस्यमय लोग लग रहे हैं मुझे, कि अपने आप में डीप थिंकिंग वाले लोग. हो सकता है कुछ चीज़ें आपका, कभी कभी आप लोग ओवर थिंक भी ज़्यादा कर लेते हो तो कुछ चीज़ें आपको ज़्यादा परेशान कर देती हों. एकदम से ही आप लोग बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस हो जाते होंगे क्योंकि आपके दिमाग का शोर आपको सोने नहीं देता है. आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा उथल पुथल मची रहती है. आप लोग हमेशा ही सोचते रहते हैं, ओवर थिंक बहुत ज़्यादा करते हैं क्योंकि आपकी थिंकिंग एबिलिटी भी, आप लोग मैथ्स में भी काफ़ी अच्छे होंगे, थिंकिंग एबिलिटी आप लोगों की बहुत ही अच्छी है. यहाँ पर मुझे इंजीनियर्स लग रहे हैं, काफ़ी सारे इंजीनियर्स यहाँ पर मौजूद हैं. थिंकिंग एबिलिटी आप लोगों की काफ़ी अच्छी है, चीज़ों को ग्रास्प करने का तरीका आप लोगों का काफ़ी अच्छा है. बट यहाँ पर आप लोग किसी कार्मिक सिचुएशन से यहाँ पर डील कर रहे हैं, या तो आपकी कोई जॉब यहाँ पर कार्मिक है. कुछ लोग यहाँ पर इमेच्योर तरीके से कुछ सिचुएशंस को हैंडल कर रहे हैं, या तो आपकी लव लाइफ में यहाँ कुछ कामिक चीज़ें चल रही हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन चल रही हैं आपकी लव लाइफ में हो सकता है, या फिर आपकी लव लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं. बट आप लोग एक हैप्पी फैमिली लाइफ को जीना चाहते हैं. आप लोग दिल से बच्चे हैं, भले ही आप लोग कितने भी एज के हों, किसी भी एज ग्रुप के हों, बट आप लोगों का दिल बच्चा है, दिल में बच्चे हैं आप लोग, दिल से बच्चे हैं आप लोग और हर चीज़ को इन्जॉय करना चाहते हैं. स्पेशली आपको फैमिली के साथ रहना, उनके साथ टाइम स्पेंड करना काफ़ी अच्छा लगता है. आप लोगों की लाइफ में थोड़ी सी थर्ड पार्टी सिचुएशन में देख पा रही हूँ कि आप लोग रिलेशनशिप को अच्छे से चूज़ नहीं कर पाते हैं. यहाँ पर आपके करियर में तो कम प्रॉब्लम्स लग रही हैं, बट रिलेशनशिप में मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम्स नज़र आ रही हैं. कुछ लोग यहाँ पर अपने बेबी को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, प्रेगनेंसी को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, पर वो नहीं हो पा रही हैं. आप लोग काफ़ी पैशनेट हैं अपने काम के प्रति, बट आपके काम में कुछ आर्ग्यूमेंट्स आप लोगों के ऐसे हो जाते होंगे, वो भी आपकी ईगो की वजह से. मुझे लगता है आप लोगों का थ्रोट चक्रा यहाँ पर कुछ ब्लॉक है. आप लोग अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं ठीक से. कम्युनिकेशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स मुझे नज़र आ रही हैं. आप लोगों के कम्युनिकेशन गैप लग रहा है. हो सकता है आपके पर्सन के साथ, या फिर आपके सीनियर के साथ, या आपके बॉस के साथ कोई कम्युनिकेशन गैप यहाँ पर हो. इस वजह से आपके करियर में थोड़ी सी स्ट्रगल हो सकता है. ऑफिस में बन नहीं रहे हैं, ऑफिस में थोड़ा सा स्ट्रगल दिख रहा है मुझे. अपने कलीग्स के साथ आप लोगों की बन नहीं रही है. हो सकता है आपके कलीग्स आपको बहुत ही ज़्यादा मेंटल प्रेशर दे रहे हो. एंड आपके पैसों से काफ़ी लोग यहाँ पर जेलस हैं. ओके, आपके पास जो भी पैसा है, आप लोग फाइनेंशियली वेल हैं, फाइनेंशियली अच्छे हैं आप लोग. अगर आप लोग करियर में स्ट्रगल कर भी रहे हैं तो आपके पास फाइनेंसिस की कोई कमी नहीं होगी. एंड अकेले रहना आप लोगों को ज़्यादा पसंद लग होता होगा. अकेले बैठ के अपना काम करते रहना, अपनी पढ़ाई करते रहना, या फिर अपना कुछ भी काम करते रहना अकेले बैठ के. साथ ही मुझे लगता है कि
आप लोग काफ़ी रिलीजियस हैं, रिलीजियस बुक्स पढ़ना और रिलीजियस टेक्स्ट पढ़ना आप लोगों को बहुत पसंद होगा। ओके सो देख लेते हैं आपके करियर में क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। पाल नंबर टू के करियर में क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, पाल नंबर टू के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। थैंक यू स्पिरिट्स। ओके मैं जैसा कि देख पा रही थी कि आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, वो रिलेशनशिप की प्रॉब्लम यहाँ पर हील होते हुए नज़र आ रही है मुझे। थैंक यू। रिलेशनशिप की प्रॉब्लम्स हील हो रही हैं और आप लोग इमोशनली जो स्ट्रगल कर रहे थे। ओके यहाँ पर बहुत ज़्यादा बड़ी अथॉरिटेटिव पोजीशन आ रही है कुछ लोगों के लिए, लीडरशिप अथॉरिटी पोजीशन। एक नया चैप्टर शुरू होने वाला है आपकी लाइफ में। हो सकता है कुछ लोग यहाँ पर IAS IPS वाली पोजीशन में जाने वाले हों, या फिर कोई CEO या फिर बॉस बनने वाले हों, या फिर आप लोगों का कोई प्रमोशन यहाँ पर आ रहा है। ओके न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं आपके करियर में एंड बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आने वाली हैं आपकी लाइफ में। न्यू अपॉर्चुनिटीज़ जहाँ पर आप लोगों को बहुत ट्रैवल करना पड़ेगा और ट्रैवल करना पड़ेगा आप लोगों को। एक नया चैप्टर बिल्कुल ही नई तरह से एक नई शुरुआत यहाँ पर हो रही है। ईश्वर यहाँ पर आपसे कहना चाहते हैं कि जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल रही हों उनको प्लीज़ ले लीजिए, भले ही वो छोटी से छोटी भी अपॉर्चुनिटी हो आपको उनको ज़रूर ले लेना चाहिए। एंड मुझे लगता है यहाँ पर काफ़ी लियो एरीज सेजिटेरियस लोग काफ़ी मौजूद हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड इससे पहले हमारे पास क्वीन ऑफ वॉन्ड्स भी आया था, द हर्मिट एंड अगेन द हर्मिट की एनर्जी। आप लोग अकेले बैठ के यहाँ पर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, आपको ओवर थिंकिंग से बचना है यहाँ पर। और साथ ही मुझे लगता है कि काफ़ी लोग यहाँ पर इंटॉक्सिकेटिंग चीज़ों का सेवन कर रहे हैं, या तो काफ़ी लोग बहुत ज़्यादा लस्टी हो रहे हैं एंड डेविल की एनर्जी आई थी, या तो काफ़ी लोग बहुत ज़्यादा लस्टी हो रहे हैं, या फिर आप लोग काफ़ी ज़्यादा इंटॉक्सिकेटिंग चीज़ों का सेवन कर रहे हैं, तला भुना ज़्यादा खा रहे हैं, अपनी डाइट का ध्यान नहीं रख रहे हैं, कुछ अपना शेड्यूल ख़राब कर रहे हैं, अपनी हेल्थ यहाँ पर ख़राब कर रहे हैं आप लोग। एंड कुछ हो सकता है कि आपके आलस बहुत ज़्यादा कर रहे हों, कुछ लोग यहाँ पर आलस बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। आगे आने वाली करियर अपॉर्चुनिटीज़ तो बहुत अच्छी आ रही हैं आप लोगों के लिए, अथॉरिटेटिव पोजिशन आ रही है एंड आपके फादर के साथ आपका कनेक्शन अच्छा होने वाला है। साथ ही मैं देख पा रही हूँ कि अपॉर्चुनिटीज़ की वजह से आपके कंधों पे जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली हैं। इस वजह से भी आप लोग काफ़ी बर्डन फील कर सकते हैं, आप लोगों को लगेगा कि मैं ये भी कर लूँ, मैं वो भी कर लूँ, मल्टीटास्किंग एक साथ करना चाहेंगे आप लोग। मल्टीटास्किंग अभी भी आप लोग करते होंगे बट उसके चक्कर में क्या है, आप लोग प्लान बनाते होंगे बट वो प्लान पूरा नहीं कर पाते होंगे, प्रोक्रास्टिनेशन में काफ़ी ज़्यादा लग रहे हैं मुझे आप लोग। एंड यहाँ पर सारे ही साइंस मौजूद हैं, लियो एरीज सेजिटेरियस खास तौर से। ओके कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो भी मौजूद हैं, लिब्रा एक्वेरियस जेमिनाई, बट साइंस के हिसाब से नहीं हो रही है ये रीडिंग, एनर्जी वाइज है। ओके एंड साथ ही मुझे लगता है कि अगर आपकी लाइफ में कोई अपॉर्चुनिटी आती भी होगी, आप लोग पास्ट का बहुत ज़्यादा सोचते हैं, अपने पास्ट का ही सोचते रह जाते हैं और आगे आने वाले कल पे या फिर प्रेजेंट मोमेंट पे आप लोग ध्यान नहीं दे पाते हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग आप लोगों की चल रही है, पास्ट में ही रह जाते हैं। बट डोंट वरी गाइस, ये स्टेज पर अगर आपने काबू पा लिया तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, बहुत ही ज़्यादा करियर में सफलता मुझे नज़र आ रही है आप लोगों की लाइफ में। काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को ज्वेलरी पहनने का शौक़ हो, यहाँ पर मुझे लगता है कि आपके पास इतना ज़्यादा पैसा आने वाला है कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा प्रॉपर्टी खरीदते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। एंड ऑल्सो डे ड्रीमिंग में काफ़ी रहते हैं आप लोग, तो आपको डे ड्रीमिंग से यहाँ बचना है और अपने प्रेजेंट मोमेंट पर जीना है। प्रेजेंट मोमेंट में जीने के लिए आप लोग ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं एंड साथ ही अपनी हेल्थ का यहाँ ध्यान रखना है, हेडेक वगैरह से परेशान नहीं होना है, एंग्जाइटी डिप्रेशन की प्रॉब्लम आप लोगों के साथ रहती होंगी। एंड अगर आप लोग अपने रिलेशनशिप में परेशान हैं तो डोंट वरी गाइस, आपके सोलमेट रिलेशनशिप भी आने वाले हैं, आपके लाइफ में न्यू चैप्टर की बिगनिंग होने वाली है। यहाँ पर एस ऑफ वांड्स का कार्ड भी चूज़ किया है आपने, तो आप लोगों की लाइफ में रिलेशनशिप, कोई नई रिलेशनशिप मैनिफेस्ट हो रही है। ओके कोई सोलमेट रिलेशनशिप हो सकती है ये, क्योंकि किंग ऑफ कप्स भी हमारे पास है एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स भी हमारे पास है एंड उससे पहले हमारे पास
क्वीन ऑफ वॉन्स था यहाँ पर, सोलमेट अपॉर्चुनिटी आ सकती है। आपको लगता होगा कि उसने मुझे धोखा दे दिया, उसने मुझे धोखा दे दिया, बट गाइस आने वाले अब टाइम में आप लोगों के लिए सोलमेट रिलेशनशिप आ रहा है एंड करियर में भी काफ़ी सफलता, काफ़ी अच्छा करने वाले हैं आप लोग। ना कोई पैसों की कमी है आप लोगों के पास, ना लग्जरीज़ की कमी है, ना प्रॉपर्टी की कमी है, और अथॉरिटेटिव पोजीशन तो है ही आप लोगों के पास। ओके, बट आपको अपने कंधों का, अपने हेल्थ का यहाँ पर ध्यान रखना है। ओके, सो क्या गाइडेंस आ रही है फॉर पाइल नंबर टू? थैंक यू सो मच। पाइल नंबर टू के लिए क्या गाइडेंस है? थैंक यू स्टार मदर, हाउ कैन यू मदर योरसेल्फ। मैंने कहा ना आपको कि अपने आप का ध्यान रखिए, जिस तरह से माँ अपने बच्चों का ध्यान रखती है उस तरह से आपको अपने आप का ध्यान रखना है गाइस। थैंक यू, आपके बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं। बॉटम ऑफ द डेक, गेट ग्राउंडेड। आप लोगों को नेचर के साथ जुड़ने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि आप लोग काफ़ी सेंसिटिव हो सकते हैं, तो नेचर के साथ कनेक्ट कीजिए और अपनी जो नेगेटिविटी है वो नेचर में फ्लो होने दीजिए। साथ ही यहाँ पर स्टार सीड का कार्ड है, आप लोग स्टार सीड हो सकते हैं, स्टार सीड फैमिली से हो सकते हैं एंड आपको अकेले बैठना बहुत ही ज़्यादा पसंद होगा, अकेले रहना बहुत ज़्यादा पसंद होगा। तो अकेले बैठ के मेडिटेशन कीजिए, मून गेजिंग कीजिए, स्टार गेजिंग कीजिए और पानी के साथ, पानी आपको हील करेगा यहाँ पर, पानी के साथ एफर्मेशन आप लोग कर सकते हैं। बर्थिंग अ न्यू एज, बर्थिंग न्यू क्रिएशन, स्ट्रीमिंग अ न्यू वर्ल्ड इन टू बींग, एक नई नए चैप्टर की बिगनिंग यहाँ पर होने वाली है। आप लोग काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टेड हैं और कनेक्टेड हैं स्पिरिट से, यूनिवर्स से, काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टेड हैं एंड एक नया चैप्टर आप लोगों की लाइफ में ओपन होने वाला है, स्टार्ट होने वाला है। अपनी जो क्रिएशंस हैं, आप लोग काफ़ी आर्टिस्टिक लोग लग रहे हैं मुझे, जो भी क्रिएटिव साइड है उसको खुल के आने दीजिए, जो भी अगर आपकी आर्ट है, कला है, म्यूज़िक है, डांस है, उसको आगे आने दीजिए और अपने आप को एक्सप्रेस कीजिए। बाउंड्रीज, वेयर डू यू नीड टू एस्टैब्लिश बेटर बाउंड्रीज। अगर आप लोग किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं तो उससे आपको बाउंड्रीज बनाने की ज़रूरत है क्योंकि वो आपको सर्व नहीं कर रहे हैं, आपकी एनर्जी को वेस्ट यहाँ पर कर रहे हैं वो रिलेशनशिप या फिर वो जॉब या फिर जो भी चीज़ है, नेगेटिविटी आपकी लाइफ में आप लोगों की एनर्जी खर्च कर रही है। तो आपको बाउंड्रीज बनाने की ज़रूरत है, अपने विचारों से भी, नेगेटिव थिंकिंग से भी आपको बाउंड्रीज बनाने की यहाँ ज़रूरत है। पाल नंबर टू के लिए क्या गाइडेंस है? थैंक यू। पाल नंबर टू के लिए यहाँ गाइडेंस क्या आ रही है? थैंक यू स्पिरिट्स। धूमावती माँ का यहाँ पर कार्ड है एंड ये कार्ड यहाँ पर ये कहता है कि आपकी जो भी पास्ट में स्ट्रगल्स रही हैं, जो भी स्ट्रगल्स आपके चल रहे हैं, उन पर भरोसा कीजिए और उनको थैंक यू कीजिए क्योंकि वो स्ट्रगल्स आपको एक बेहतर इंसान बनाने के लिए, आपको एक बेहतर इंसान बना रहे हैं और आपकी लाइफ में सफलता को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो अपने स्ट्रगल से घबराइए मत आप लोग और शुक्रिया कीजिए ईश्वर का कि उन्होंने आपको ये एक्सपीरियंस दिया, ये लेसन सिखाए। साथ ही यहाँ पर इंसिस्टर्स स्पिरिट काफ़ी ज़्यादा हैं आप लोगों के, तो अपने इंसिस्टर्स के साथ कनेक्ट कीजिए। साथ ही बर्ड्स को फीड करना आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा एंड यहाँ पर हमें थ्री ऑफ कप्स भी शो कर रहा है। थोड़ा सा सोशल गैदरिंग में जाना आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा, अकेले ही बैठे रहते हैं आप लोग, अपनी लाइफ को इन्जॉय कीजिए, बाहर जाइए और घूमिए फिरिए अपने फ्रेंड्स के साथ। ओके नेक्स्ट, और क्या गाइडेंस आ रही है? थैंक यू सो मच। ललिता त्रिपुरा सुंदरी एंड ये कार्ड भी यही बात कर रहा है कि अपनी हेल्थ का ध्यान दीजिए, अपनी खूबसूरती का यहाँ ध्यान दीजिए, अपने आप का ध्यान रखिए। साथ ही यहाँ पर आप लोगों को ऑरेंज कलर के साथ जुड़ने के लिए कहा जा रहा है, अपने स्वाधिष्ठान चक्र के साथ जुड़िए, अपने स्वाधिष्ठान चक्र को मजबूत कीजिए क्योंकि ये कार्ड क्रिएटिविटी की भी बात करता है। अपनी क्रिएटिव साइड को आगे आने दीजिए और अपनी हेल्थ का यहाँ पर, अपनी सुंदरता का, अपने आप का यहाँ पर ध्यान रखने की आपको काफ़ी ज़रूरत है। थैंक यू, थैंक यू स्पिरिट। आत्मा, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोग मुझे ऐसे लग रहे हैं जो मेडिटेशन ऑलरेडी करते हैं, तो आपको मेडिटेशन करने की, मेडिटेशन में आगे बढ़ने के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है और कनेक्ट करना है आपको स्पिरिट वर्ल्ड से, कनेक्ट करिए अपने आपको यूनिवर्स के साथ। और आप लोग बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, स्पिरिचुअल हैं आप लोग काफ़ी ज़्यादा, तो आप लोग इसी चीज़ में आगे बढ़ते जाइए, ईश्वरी आपका मार्गदर्शन करेंगे। एंड तंत्रा आपको यहाँ पर, यस डेफिनेटली आप लोगों को पाइल नंबर वन भी देखने की ज़रूरत है और आप लोग अट्रैक्ट भी हुए होंगे पाइल नंबर वन से, तो यहाँ पे बैलेंस की भी हो जा रही है। अपने आप को बैलेंस कीजिए, बैलेंस की एनर्जी में रखिए, जितना आप लोग काम करते हैं उतना रेस्ट भी करिए। ऐसा ही, ऐसा नहीं होगा कि आप लोगों को काम ही काम करना है,
आप लोगों को रेस्ट भी लेना है प्रॉपर, अपनी बॉडी को अपनी हेल्थ का भी यहाँ पर ध्यान रखना है। अगर आप लोग दूसरों की चिंता करते हैं तो अपने बारे में भी थोड़ा सा सोचिए, अपनी लाइफ को बैलेंस में लेकर आइए। तो यस पैनल नंबर 2, ये थी आप लोगों के लिए करियर की रीडिंग। आई होप कि आपको कुछ गाइडेंस मिली होगी इस रीडिंग से। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी ज़रूर शेयर करिएगा वीडियो। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बी ए पार्ट ऑफ द फैमिली, साथ ही तो नोटिफिकेशन बेल, एंड अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी ज़रूर शेयर करिएगा वीडियो। तो मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय। हेलो एवरीवन, अगर आप लोगों ने पाइल नंबर 3 को चूज़ किया है यानी कि एस ऑफ पेंटिकल्स को चूज़ किया है तो ये रीडिंग आप लोगों के लिए है। चलिए देखते हैं कि आपके करियर में क्या होने वाला है, प्रेजेंट सिचुएशन कैसे चल रही है पाइल नंबर 3 के लिए। मुझे लगता है आप लोग किसी नई अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं जो कि आपकी किस्मत को बदल के रख दे। कोई नई अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं आप लोग पाइल नंबर 3 के लिए। प्रेजेंट सिचुएशन क्या चल रही है, प्रेजेंट सिचुएशन पाइल नंबर 3 के लिए क्या चल रही है। थैंक यू द लवर्स, थैंक यू सो मच। वेट, यस मैंने कहा ना कि आप लोग वेट कर रहे हैं किसी नई चीज़ का, मस्त मौला काइंड ऑफ लोग लग रहे हैं। ओके थैंक यू सो मच। बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं, मैं फिर से शफल करना चाहती हूँ। प्रेजेंट सिचुएशन कैसी चल रही है पाइल नंबर 3 के लिए जिन्होंने किंग ऑफ एस ऑफ पेंटिकल्स को चूज़ किया है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, ओके क्या नहीं था। थैंक यू स्पेलेंट्स। एक कार्ड और मैं लेना चाहूँगी। बहुत सारे लोगों ने पाइल नंबर 3 को चूज़ किया है, या तो आप लोग काफ़ी इंतज़ार नहीं हो रहा है, आप लोगों के अंदर पेशेंस की काफ़ी कमी लग रही है मुझे। ओके पाइल नंबर 3, काफ़ी डिस्टर्ब्ड एनर्जी है, काफ़ी डिस्टर्ब्ड एनर्जी। पाइल नंबर 3 द हैंड मैन, डिवाइन प्रोटेक्शन बहुत है आप लोगों के साथ, एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड मैजिशियन। ओके तो मुझे लगता है यहाँ पर आप लोग ऑलरेडी ओके फाइनेंशियल स्ट्रगल तो चल रहा है, बट ऐसा भी नहीं है फाइनेंशियल स्ट्रगल आप लोग कि बिल्कुल ही आपके पास सब कुछ ख़त्म हो गया हो। फाइनेंशियल स्ट्रगल उतार चढ़ाव चल रहे होंगे आपके जीवन में, पर बिल्कुल ही सब कुछ ख़त्म नहीं हुआ होगा। बेसिक नीड्स तो आप लोग पूरी कर पाते होंगे अपने, एंड यहाँ पर मुझे लगता है कि आप लोग ऑलरेडी अपने सोलमेट रिलेशनशिप में हैं। ऑलरेडी आप लोग सोलमेट रिलेशनशिप में हैं, आप लोगों की लवर्स कार्ड के साथ मुझे लग रहा है आपकी रिलेशनशिप काफ़ी अच्छी चल रही है। एंड जो लोग भी सिंगल हैं उन लोगों के लिए जल्द ही रिलेशनशिप आने वाली है, कोई नया लव ऑफर आने वाला है जो कि सोलमेट रिलेशनशिप होगी, तो उसको ज़रूर एक्सेप्ट कीजिएगा। एंड वो रिलेशनशिप आपके करियर में एक नया मोड़ लेकर आएगी, एक नई सफलता लेकर आएगी। ओके एंड मुझे लगता है आप लोग काफ़ी जल्दी हार मान जाते हैं गाइस, मस्त मौला भी है पर एक साइड आपका ऐसा भी है कि काफ़ी उदास है आप लोग। हो सकता है कि बाहर से कुछ और दिखाते हैं और अंदर से काफ़ी अपसेट रहते हैं, बाहर से अपने आप को खुश दिखाते हैं बट अंदर से आपके अंदर भीतर ही स्ट्रगल चलता रहता है, भीतर ही आप लोग बहुत परेशान रहते हैं। एंड मुझे लगता है कि आपके अंदर एक बच्चा भी छुपा हुआ है, कि आप लोग मस्त मौला काइंड ऑफ पर्सन होंगे एंड आपको ट्रैवल करना काफ़ी ज़्यादा पसंद होगा, बट आप लोग अपने एक समय के बाद अपने आप को रेस्ट देना भी, अकेले रखकर रेस्ट देना भी आप लोग पसंद करते होंगे। सोशल काफ़ी ज़्यादा होंगे आप लोगों को, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना काफ़ी अच्छा लगता होगा। एंड यहाँ पर मैं साइंस बता दूँ, कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न काफ़ी ज़्यादा लग रहे हैं मुझे यहाँ पर। एंड आपने कार्ड भी चूज़ किया है एस ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स आया है, आप लोगों के पास काफ़ी लग्जरी होगी ऑलरेडी। आप लोग यहाँ पर फाइनेंशियल थोड़ा बहुत स्ट्रगल कर रहे होंगे, हो सकता है आप लोग किसी लोन में हो, कोई कर्जा हो आप लोगों के ऊपर, बट ट्रस्ट मी गाइस आप लोग कभी भी आपके पास फाइनेंसिस की कमी नहीं होगी। एंड मैं आपको एक गाइडेंस देती हूँ, एक टिप देती हूँ कि जितना ज़्यादा आप डोनेट करेंगे उतना ज़्यादा आप लोगों की लाइफ में फाइनेंसिस अच्छे होंगे, तो अपने पैसों को बांटना सीखिए। साथ ही मुझे लगता है यहाँ पर आप लोग रिलीजियस होंगे, ईश्वर पे भरोसा करते होंगे, बट समय समय पर आप लोग सोचते होंगे अरे मेरी लाइफ में ये तो हो ही नहीं रहा, कुछ अच्छा नहीं हो रहा, तो ईश्वर मेरी हेल्प ही नहीं कर रहे हैं। बट यहाँ पर एंजल्स आपके साथ है, डिवाइन प्रोटेक्शन आपके साथ है,
हर तरह से डिवाइन प्रोटेक्शन यहाँ पर आपके साथ है स्पिरिट गाइड्स, आप लोग बिल्कुल भी किसी भी कार्ड में मुझे अकेले नहीं दिख रहे हैं। एंड आपको चीज़ों को ऑब्जर्व करना, डीप थिंकिंग में जाके चीज़ों को ऑब्जर्व करना, अलग अलग चीज़ें ट्राई करना बहुत ही पसंद होगा। साथ ही एडवेंचर आप लोगों को बहुत पसंद होगा, एडवेंचर ट्राई करना, और इंतज़ार की कमी, पेशेंस की कमी आप लोगों में है। और मुझे लगता है कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग से कुछ लोग यहाँ पर गुजर रहे हैं। स्पिरिचुअल बहुत ज़्यादा हैं, पूजा पाठ काफ़ी ज़्यादा करते होंगे आप लोग, एंड मंदिर या मस्जिद या चर्च विज़िट करना आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगता होगा। धार्मिक प्लेसेस, धार्मिक जगह जाना आप लोगों के लोग काफ़ी अच्छा लगता होगा। एंड मुझे लगता है कि अपनी रिलेशनशिप में आप लोग काफ़ी इमोशनली सेटिस्फाइड हैं, बट कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि अरे मेरे साथ पास्ट में ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्या मैंने गलती करी थी कि ईश्वर ने मुझे ऐसी सजा दी। बट आपको गाइस स्पिरिट से यहाँ पर कहना चाहते हैं कि जो बीत गया वो बीत गया, अब आपको आगे आने वाले कल पर ध्यान देना है, आपको प्रेजेंट एनर्जीज में रहना है। मस्त मौला जैसा कि आपकी स्पिरिट है, जैसा कि आपका नेचर है, वैसा ही रहना है आप लोगों को। हो सकता है कुछ लोग कभी कभी घमंड भी दिखाते होंगे, ईगोइस्टिक भी बन जाते होंगे, तो आपको अपने ईगो को हावी नहीं होने देना है अपने ऊपर। कुछ लोग मुझे लगता है आर्किटेक्चर फील्ड से यहाँ पर रिलेटेड हो, एंड कुछ लोग इंजीनियरिंग फील्ड से मुझे रिलेटेड लग रहे हैं यहाँ पर। ओके, सो देख लेते हैं आपके करियर में क्या न्यू ब्लेसिंग्स आ रही हैं, कौन सी न्यू अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं। बाल नंबर 3 आपके करियर में, बाल नंबर 3 के करियर में क्या अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, क्या होने वाला है बाल नंबर 3 के करियर में, कहाँ जा रहा है बाल नंबर 3 का करियर। थैंक यू मस्ट, थैंक यू। ओके, थोड़ा सा इंतज़ार और करने के लिए आपको कहा जा रहा है, यहाँ पर पेशेंस सिखाया जा रहा है आपको ईश्वर के द्वारा। सोलमेट तो हैं ही ऑलरेडी, जो लोग भी सिंगल हैं यहाँ पर सोलमेट रिलेशनशिप आप लोगों की आ रही है। कुछ लोग हायर एजुकेशन परस्यू करने के लिए जा सकते हैं, हायर एजुकेशन आप लोग ले सकते हैं, MBA PhD वगैरह आप लोग कर सकते हैं। एंड या फिर आप लोग टीचिंग रिलेटेड फील्ड से भी, टीचिंग रिलेटेड फील्ड में भी आप लोग जा सकते हैं। दो दो पेजेस के कार्ड हैं यहाँ पर, तो यस कुछ लोग एजुकेशन में यहाँ पर आगे बढ़ रहे हैं। ओ वाओ, कम्युनिटी रिकॉग्निशन आप लोगों को मिल रहा है, आप लोग फेमस हो रहे हैं किसी चीज़ में। कुछ लोग यहाँ पर मुझे डिज़ाइनिंग, फैशन डिज़ाइनिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं, या फिर इंटीरियर डिज़ाइनिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। बट आपको यहाँ पेशेंस सीखना पड़ेगा गाइस, पेशेंस जब तक आप नहीं सीखेंगे यही आपकी परीक्षा है कि आपको पेशेंस सीखना है। यहाँ पर 6-6 की एनर्जी है, अपनी नेगेटिव थिंकिंग से यहाँ पर आप लोगों को बाहर निकलना है। एंड जो भी आप सोच रहे हैं वो आपको अच्छा ही सोचना है। हाई प्रीस्टेस, यस आप लोगों का इंट्यूशन काफ़ी हाई है, एंड स्पिरिचुअल काफ़ी ज़्यादा है आप लोग। हो सकता है आप लोग स्पिरिचुअल फील्ड में भी आगे बढ़ सकते हैं, स्पिरिचुअल फील्ड में टैरो रीडर, रीकी हीलर्स, एंड किसी तरह के स्पिरिचुअल फील्ड में, ऑकल्ट में आप लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो डेफिनेटली आप लोगों को आगे बढ़ना चाहिए, कि आपके करियर में काफ़ी सफलता दिलाएगा आपको, एंड काफ़ी सक्सेस और मनी मैनिफेस्ट हो सकता है इस चीज़ से, अगर आप लोग स्पिरिचुअल फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं। साथ ही अगर आप लोग टीचिंग के फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो यस दुनिया को आप जैसे टीचर्स की आवश्यकता है। आप लोग हाईली एजुकेटेड पर्सन हैं, तो आपको ज़रूर ही सफलता मिलेगी। द सन के कार्ड के साथ आपको अपनी लाइफ को इन्जॉय करना सीखना चाहिए। ओके, अपनी माँ के साथ कनेक्ट कीजिए, आपकी माँ के पास, या आपकी वाइफ के पास, या आपकी सिस्टर है कोई, आपकी कोई भी फीमेल फ्रेंड है, उनके पास कोई इंपॉर्टेंट एडवाइस है आपको देने के लिए, तो अपनी माँ के साथ। अब इन जनरल आप लोगों को फीमेल्स की यहाँ पर इज्जत करने के लिए कहा जा रहा है, फीमेल्स को रिस्पेक्ट देना स्टार्ट कीजिए, उससे आपके जीवन में सफलता आएगी। एंड साथ ही आपको नई चीज़ें, नई कला कुछ सीखने के लिए कहा जा रहा है, कि कुछ आप नया सीखने वाले हैं आगे आने वाले टाइम में, कुछ नया यहाँ पर सीखने वाले हैं, कोई नई डिग्री आप लोग लेने वाले हैं, या फिर कुछ नई क्रिएटिव स्किल आप लोग सीख सकते हैं। ओके, वो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा करियर अपॉर्चुनिटीज़ को ओपन कर देगी। इंतज़ार आप लोगों से नहीं हो रहा है, तो आप लोग इंतज़ार कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, उससे आप लोगों के पेशेंस लेवल काफ़ी अच्छा होगा। एंड स्पिरिचुअल तो रहना ही है आपको, अगर आप लोग स्पिरिचुअल फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं तो गो फॉर इट, बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। आप लोगों का नेम, फेम, दौलत, शौहरत यहाँ पर बढ़ते हुए मैं देख पा रही हूँ। जो लोग भी यहाँ पर शादी मैनिफेस्ट कर रहे थे काफ़ी टाइम से, आप लोगों की शादी होते हुए मैं देख पा रही हूँ, बिकॉज आपका करियर, आपकी लाइफ में सफलता, हर तरह से आप लोगों की सफलता, रिलेशनशिप में भी और करियर में भी आपकी सफलता मैं देख पा रही हूँ।
एंड मुझे लगता है यहाँ पर कुछ लोग अगर लव मैरिज करना चाहते थे और उनके पेरेंट्स नहीं मान रहे थे, तो यहाँ पर आपके पेरेंट्स मान जाएंगे, आपकी फैमिली मान जाएगी, पूरे रीति रिवाजों के साथ आपकी मैरिज यहाँ पर पॉसिबल है। क्या बताऊँ मैं आपको, हर तरह से आप लोग सफल हो रहे हैं एंड ईस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ही सफलता का कार्ड है। यहाँ पर ईश्वर आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी देने वाले हैं जो आपके करियर को बहुत ही ज़्यादा आगे ले जाएगी, बहुत ही सक्सेस आपको दिलाएगी एंड आपको लग्जरी वाइज कोई भी कमी नहीं होगी। आप लोग इमोशनली काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड होंगे अपने करियर से। यहाँ पर मुझे लगता है आप लोगों को अपनी स्पीकिंग स्किल्स पर ध्यान देना चाहिए, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे यहाँ पर ध्यान देना चाहिए, अपने स्पीकिंग स्किल्स को और अच्छा बेहतर बनाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है आने वाले टाइम में कुछ स्टेज अपॉर्चुनिटी आप लोगों का इंतज़ार कर रही है। कुछ लोग यहाँ पर मोटिवेशनल स्पीकर्स भी बन सकते हैं, तो उसमें भी आप लोगों के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि जो भी अपने पास्ट में स्ट्रगल्स रही हैं वो दूसरों के साथ शेयर कीजिए, बांटिए अपनी एक्सपीरियंस को बांटिए। हो सकता है कुछ लोग यहाँ पर डे ड्रीमिंग ज़्यादा कर रहे हो, तो आपको प्रोक्रास्टिनेशन या डे ड्रीमिंग से निकल कर आगे बढ़ने के लिए कहा जा रहा है। डे ड्रीमिंग मत कीजिए, अपने काम पर ध्यान दीजिए। अगर आप लोग फोकस नहीं बना पाते हैं और आपका माइंड इधर उधर भागते रहता है, तो आपको फोकस बनाना बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपकी लाइफ में। एंड इसलिए भी आपकी लाइफ में पढ़ते रहना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो आपके माइंड को खाली नहीं बैठने देगा, अशांत नहीं करेगा आपके माइंड को। अगर आप नई नई चीज़ें सीखेंगे, नई नई चीज़ें पढ़ेंगे, तो आपका माइंड शांत रहेगा और बिजी रहेगा। साथ ही 777 की एनर्जी है, काफ़ी ज़्यादा डिवाइन प्रोटेक्शन आप लोगों के साथ है, डिवाइनली गाइडेड हैं आप लोग। द सन के साथ मुझे लगता है जो भी आप करियर में करेंगे वो आपकी डेस्टिनी है, आपका सोल पर्पज़ है। और मुझे लगता है कि आप लोग सही जा रहे हैं अपनी लाइफ में, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग एकदम सही जा रहे हैं। जो भी आप करना चाहते हैं गो फॉर इट, यहाँ पर स्पिरिट्स आपको कह रहे हैं गो फॉर इट। थैंक यू। ओके, लेट्स सी आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है पालनमत्री, स्पिरिट्स की तरफ से क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए, पाल नंबर थ्री के लिए क्या गाइडेंस आ रही है। थैंक यू। बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड एनर्जी है। सबसे पहले तो अपने आप को समेटिए, अपनी जीवन को समेटिए। अगर आपके आसपास फैला पड़ा रहता है तो अपने सामान को यहाँ पर समेटिए और साफ रखिए अपना रूम, अपना घर। थैंक यू स्पिरिट्स। साथ ही पेशेंस को लेकर आइए अपनी लाइफ में। थैंक यू। स्टारसी गॉड लाइट्स यू अप, वाओ, स्टारसी का कार्ड हमारे पाइल नंबर टू में भी आया था। ओके, तो अकेले बैठकर अगर आपको मेडिटेशन करना अच्छा लगता है तो आपको मेडिटेशन करना चाहिए, एंड अच्छा नहीं भी लगता है तब भी आपको करना चाहिए। 5-10 मिनट अपने आप के लिए निकाल के अकेले बैठिए। आई नो कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा सोशल हैं, बट आपको मेडिटेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी से ही आपके इंट्यूशन के दरवाजे खुलेंगे, उसी से ही आपकी इंट्यूशन अच्छी होगी और आपको मार्गदर्शन मिलेगा। और अगर आप लोग स्टार गेजिंग करना बहुत अच्छा रह सकता है, मून गेजिंग, स्टार गेजिंग। यस, ओके, पाल नंबर थ्री के लिए क्या गाइडेंस है। पानी की बहुत ज़्यादा एनर्जी है। वेयर आर यू बीइंग कॉल्ड जर्नी टू, यहाँ पर आप लोगों के सोल पर्पज़ से आपको कनेक्ट करने के लिए कहा जा रहा है कि आप लोग कहाँ जाना चाहते हैं। अपनी अंतरात्मा से पूछिए कि आप लोग असल में क्या करना चाहते हैं अपनी लाइफ में। ऐसा ना हो कि आप लोग कोई गलत करियर पाथ पे चल रहे हो। आप लोग क्या करना चाहते हैं आपको वही करना चाहिए, जो आपकी सोल बोलती है वही आपको करना है। यहाँ पर जो आपका मन बोलता है, जो आपका दिल बोलता है वही आपको करना है। और मुझे लगता है पानी के साथ आप लोग काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड हैं एंड पानी के साथ मेडिटेशन करना आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। थैंक यू। यस, जैसे यस, हर चीज़ को आपको यस बोलते जाना है। कोई भी अपॉर्चुनिटी आ रही है उसको आपको यस बोलना है। हर चीज़ को आज से आपको हमेशा यस ही बोलना है। ओके, एंड अगर आपका कोई क्वेश्चन था तो उसका आंसर भी यहाँ पर यस है। यस यहाँ पर आंसर है। एंड आपको हर चीज़ को एक्सेप्ट करना है, अपने आप को, आपकी बॉडी जैसी भी है, आप लोग जैसे भी दिखते हैं अपने आप को एक्सेप्ट कीजिए। एंड यहाँ पर अपने गिफ्ट को, अपने टैलेंट्स को एक्सेप्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। साथ ही मुझे लगता है कि अपने चैलेंजेस को भी एक्सेप्ट कीजिए अपने आप को। ओके, एंड डोंट टेम टू फिट इन, हाउ आर यू डिमिंग योर लाइफ टू फिट इन। यहाँ पर ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि अपने आप को सोसाइटी का पार्ट बनाकर मत चलिए। आप जो करना चाहते हैं आप वो आगे बढ़िए, उसमें आगे बढ़िए, फिट एंड मत होने की कोशिश कीजिए। अपना रास्ता खुद बनाइए, अपना रास्ता खुद ढूंढिए यहाँ पर। एंड
ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं, सोसाइटी जो कह रही है वो कहने दीजिए, लोग जो कह रहे हैं वो कहने दीजिए, आपको अपने पाथ पर आगे बढ़ते जाना है और आप लोग बिल्कुल सही जा रहे हैं। पाल नंबर 3 के लिए क्या गाइडेंस है? थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू। पाल नंबर 3, थैंक यू स्पिरिट। तेजस, यहाँ पर भी मेडिटेशन करने के लिए ही कहा जा रहा है आपको, एंड मुझे लगता है काफ़ी अट्रैक्टिव लोग हो सकते हैं आप लोग, जो लोग आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। तो आपकी एनर्जी यहाँ पर बढ़ रही है, आपकी अट्रैक्टिवनेस यहाँ पर बढ़ रही है, आकर्षण बढ़ रहा है। एंड ये सब क्यों हो रहा है? ये सब आपके आप लोग अपने ऊपर काम कर रहे हैं, इस वजह से हो रहा है, अपने आप को डेवलप कर रहे हैं, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुन रहे हैं। एंड वी हैव द कार्ड ऑफ वाता, गो विद द फ्लो की एनर्जी में, यहाँ पे भी पानी की ऊर्जा है, किसी तरह से पानी आपको हील कर रहा है, तो कोई हीलिंग बात लीजिए। साथ ही यहाँ पर ब्लू की काफ़ी एनर्जी है, अपने विशुद्ध चक्र साथ ही अजना चक्र, विशुद्ध चक्र, थ्रोट चक्र एंड थर्ड आई चक्र को आपको डेवलप करना है। अपनी मेडिटेशन कीजिए, मेडिटेशन ही आप लोगों का सोल्यूशन है और कुछ नहीं। एंड धारणा, फोकस बनाइए, अपने आप में फोकस लेकर आइए अपनी लाइफ में। आप लोगों का माइंड बहुत ही अशांत रहता होगा, ओवरथिंक काफ़ी ज़्यादा आप लोग कर रहे हैं, तो आप लोगों की लाइफ में फोकस बनाना आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे भी आप दुनिया को देखेंगे, दुनिया वैसे ही आपको दिखाई देगी। एंड भुवनेश्वरी माँ, ये भी पानी की ही बात कर रहा है, आपको मदर अर्थ के साथ यहाँ कनेक्ट करने के लिए कहा जा रहा है। किसी तरह से आपको यहाँ पानी से कनेक्ट करना है, अपने आप को पानी से कनेक्ट कीजिए, पानी के साथ अफर्मेशंस कीजिए, मून वाटर बनाइए, हीलिंग बात दीजिए अपने आप को। अगर आप जब भी नहाते हैं उस समय अपने आप को ऐसा ही इमेजिन कीजिए कि आपकी सारी नेगेटिविटी, आपकी सारी ओवरथिंकिंग, सारी नेगेटिव थिंकिंग पानी में फ्लो हो रही है। एंड आप लोग सॉल्ट बाथ भी ले सकते हैं, सॉल्ट पाथ लेना आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। सो यस, पाइल नंबर 3, दैट्स इट फॉर यू गाइस। आई होप कि आप लोगों को एक कुछ गाइडेंस मिली होगी इस रीडिंग से। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप, एंड अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बी ए पार्ट ऑफ द फैमिली, ऑल्सो हिट द नोटिफिकेशन बेल, एंड अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी जरूर शेयर करके ये वीडियो। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।